जीते जी मनुष्य शरीर में ईश्वर के दर्शन का रास्ता बताने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 12 सितंबर को अपने उज्जैन आश्रम से ऑनलाइन संदेश देते हुए बताया कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं, आप पर ईश्वर की कृपा है। आपका जन्म भारत भूमि पर हुआ, इस भारत की धरती पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने लोगों को मालिक के बारे में, अपने घर अपने वतन के बारे में बताया और बहुत लोगों को रास्ता बताकर पार भी किया, लेकिन संतों को समझ पाना बेहद कठिन काम है। उस परम पिता परमात्मा की अपार दया मेहर हुई कि अपने लोगों को भारत जैसे देश में जन्म मिला जहां पर संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संताए जीवों को समझाए बताए, अपने घर की याद दिलाए और रास्ता बता करके और बहुत से लोगों को अपने वतन अपने मालिक के पास अपने घर पहुंचा दिया। संतों को समझ पाना, संतों को पूर्ण रूपेण जान लेना, ये बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन जिन पर उनकी दया हो जाती है और जो दया के पात्र बन जाते हैं उनके पहचान में आ जाते हैं। अब ये जरूर रहा कि ठंडी जहां पर है वहां जाओगे तो ठंड का असर शरीर में होगा, गर्मी जहां पर है वहां चले जाओगे तो उसका असर शरीर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से जो संतों के नजदीक चले जाते हैं उनको उसी तरह से जैसा भाव होता है लाभ का अनुभव हो जाता है, लाभ मिल जाता है। जब अपना काम करके चले जाते हैं तब लोग अनेक रूपों में उनको याद करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और जिन्होंने शादी ब्याह किया और तारीख शक्तियों ने उनका विवाह का तारीख वो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तरह तरह से उनको याद करते हैं। लेकिन यह भक्ति नहीं है, यह तो एक तरह से उनका नाम रह जाए, उनको लोग जानते रह जाएं, पहचान उनकी बनी रह जाए, इसलिए करते हैं। भक्ति जो करते हैं उन्हीं के पहचान में संत आते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? उनके बताए रास्ते पर चलना, उनके आदेश का पालन करना, ये भक्ति कहलाती है। तो आज आप लोग गुरु महाराज के यादगार में इतने लोग इकट्ठा हुए हो तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि गुरु महाराज के वचन को पकड़ो, उनके बताए रास्ते पर चलो और जो लोग आप नाम दान पा चुके हो भजन ध्यान सुमिरन बराबर उनको जानने समझने के लिए अंतर में पहचानने के लिए करते रहो, बुरे कर्मों से बचो, जात की छुआछूत संत मत में नहीं होती है, कर्मों की छुआछूत होती है, कर्मों की छुआछूत से बचो, बुरे लोगों का साथ मत करो। अगर आप के अंदर मजबूती है, दृढ़ता है, उनके प्रभाव में नहीं आ सकते हो, अपने को तौल लो, उनको बदलने के लिए तो उनका साथ करो, लेकिन अगर थोड़ा भी मन आपका कच्चा पड़ सकता है तो आप अपने मन को पहले पक्का करो और फिर उनको सुधारने की कोशिश करो,
तो आप अच्छे का साथ करो, खान पान सही रखो, इधर उधर से कर्म आपके पर न लग जाए या आपकी बुद्धि यानी समझो कि मन मलिन हो जाए और बुद्धि कमजोर हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, ऐसा काम न होने पावे। इस चीज का बराबर सब लोग ध्यान रखो।